अस्सलाम वालेकुम, मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी अभी ना छत पे आया था कबूतर खोलने के लिए। तो ये मैंने अभी कबूतर पिजन खोले हैं, इनको पानी वगैरह डालना था, इनको काफ़ी प्यास वगैरह लगी हुई थी। मैंने कहा चलो यार, थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं इनको ना पानी वगैरह डाल दूँ। तो अभी अभी नीचे से मुझे एक आवाज़ आई है जैसे कि नीचे कोई ना जानवर पकड़े हुए हैं। तो मैं पहले ना अपने पिजन वगैरह जो ना बंद कर दूँ, क्योंकि बंद करके फिर मैं नीचे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने कौन से जो जानवर पकड़ा हुआ है। चलो 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 चलो, शाबाश, क्या है, चलो ये देखो किधर जा रहे हैं। कल भी मैं इनको ढूंढ रहा था और ये नीचे घुस के बैठ जाते हैं, ये देखो। ओहो, ये पता नहीं किधर जाके बैठ जाते हैं। अभी इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। कल भी मैंने इसको इतना ढूंढा जिसका कोई उदाहरण था, मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा पता नहीं यार किधर चल गए। अब इन्होंने ये नई जगह तलाश कर लिया, लेकिन अब इनको नीचे नहीं बैठने देना, क्योंकि अगर नीचे बैठ जाते हैं, उन्होंने वहाँ पर ब्रीडिंग कर दी, वहाँ पर ब्रीड कर दिए, अंडे दे दिए, तो परेशानी बनेगी, क्योंकि रात को बिल्ली आकर इनको पकड़ सकती है। इसलिए अब इनको यहाँ से निकालना मजबूरी होगी। अभी ये दोनों देखो फिर अंदर चले गए हैं। ओहो, पता नहीं किधर जाके बैठ गए, ये देखो। अभी इनको चले, अभी मैं ज़रा वेट करता हूँ, पहले मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कि नीचे उन्होंने कौन से जानवर पकड़े हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर वापस आके इनको बंद करता हूँ, क्योंकि ये नीचे छुप गए हैं। कल भी उन्होंने मुझे बहुत सताया था, तो बड़ी मुश्किल से निकाले थे। मैंने तो समझा कहीं गुम हो गया है, कहीं उड़ गए हैं, लेकिन पर कट होने की वजह से ये कहीं भी नहीं जा सके। तो अभी जो है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर इन्होंने जो दो न्योले हैं मेरे ख्याल में, ये पकड़े हुए और ट्रक के साथ इन्होंने बांधे हुए हैं। ये देखो, ये एक ये तो चीखे ऐसे मार रहा है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, जैसे पता नहीं किस पर ऐसे काटी करनी है। एक ये है और एक वो दूसरा एक ये वाला है। ये देखो, ये अभी डरता है, तो अभी इनसे डर भी लगता है। तो ये शाहिद है, दोस्त है मेरा, ये भी इधर बैठा हुआ है। ये देखो, ये क्या कर रहा है, देखो। नहीं, वटना की है अभी, इसकी डोरी भी ये बांधी हुई है। डर भी लगता है कि कहीं काट ही ना ले, क्योंकि ये पहले ही सांपों वगैरह को खाते हैं और डर लगता है। इनका जहर भी पता नहीं कितना जहरीला होगा, जो सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, उससे बच के ही रहना चाहिए। एक वो दूसरा है, वो उधर टाई की तरफ जाके बैठा हुआ है। अभी उस वक्त मैं जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा जो है ना, इन्होंने वो भी पकड़ा हुआ है। और ये पकड़ने वाले भाई भी जो थे ना, इधर बैठे हुए थे। अभी ये देखें, वो किधर गया दूसरा, वो भाग गया। ये वाला, ये काफ़ी बड़ा है, और वो वाला जो है ना, वो छोटा है। दोनों जो है ना, अब ये पहले जो बांध हुए थे, इसने उठने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब इनसे नहीं खुला गया और ये हाँप काँप के इधर बैठ गए हैं। अभी जो शाहिद है, ये देखो, घर भी लगता है। हाँ भाई, एक वो दूसरा वो है। तो ये जिस दोस्त ने पकड़े हुए ना, उन्होंने ट्रक के साथ बांधे हुए हैं। अभी पता नहीं रात को वो क्या करता है, खोलता है या रात को इसको बंद करके ऑफ करके रख देता है। दोस्तों, जैसे ही मैं इसको छेड़ता हूँ ना, ये आगे से ऐसी आवाज़, अजीब सी आवाज़ निकालता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये मैं अभी आपको ना थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये खुद को ना छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रस्सी इतनी मजबूती से बांधी हुई है कि जिससे इसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है। वो दूसरा तो थक हार के बैठ गया है, वो देखो, ये दूसरा बैठ गया है अभी, ये भी इधर बैठा हुआ है, ये देखो। इन्होंने
ट्रेलर ट्रक के साथ बांधा हुआ है, और जिसने ये भाई ने पकड़ा है ना उसकी बड़ी दिलेरी है, उसने चादर के साथ इनको पकड़ कर और इसको गर्दन से कैसे बांधा होगा ये उसको ही पता होगा, क्योंकि मैं उनके पास नहीं था तभी, मैं कहीं काम गया हुआ था, मैं तो अभी आया हूँ अभी। और इनको मैंने बांधे हुए देखा, मैंने कहा चलो मैं अपने व्लॉग में भी दोस्तों को भी शेयर कर देता हूँ कि वो भी देख लें कि यार इस तरह इसको न्योवला बोलते हैं, न्योले को दो न्योले, उसने दो न्योले जो थे वो एकदम इकट्ठे पकड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक दूसरे वाला, ये देखो ये कैसे खड़ा हो जाता है। अभी मैंने उससे बोला कि इसको कुछ खाने के लिए डालो, वो कहने लगा कि यार अभी नहीं, इनको कुछ भी डालना, ये कम से कम कल शाम तक ये भूखे रहेंगे, उसके बाद ही मैं जाकर इनको कुछ डालूंगा, फिर ये कुछ खाएंगे। मुझे जैसे ये फनकार मारते हैं ना, जैसे जो बोल रहा था, कहते हैं कुछ दिनों के बाद ये बोलना जो है ना, ये ऐसे जो फनकार मारते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके दांतों का जहर वो पता नहीं कैसे निकालेगा, वो तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो दांतों से जहर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। ये देखो ये कैसे खड़ा हो जाता है, मुझे तो इससे जैकेट डर ही लग रहा है ये कहीं काट ना ले। तो मैं अभी ऊपर वापस जाता हूँ, वापस जाके जो मेरे पिजन थे ना वो उसके अंदर जो गत्तों के गत्ते पड़े हुए थे उसके नीचे चले गए थे, अभी उनको मैं बंद करता हूँ, बंद करके और उनको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो वो निकल आए, अगर वो निकल आएंगे ना तो फिर ही बात बनेगी, क्योंकि उनसे देख के ना बहुत डर लगता है यार कि कहीं बिल्ली ना खा जाए उनको, तो अभी उनको मैं बंद कर देता हूँ उधर, अभी ऊपर ऊपर निकले कि वो देखो अब दूसरा भी उधर गया हुआ था तो देख के अब ये पता नहीं किस है कैसे निकलेंगे। ये देखो एक जो ये बैठा हुआ, दूसरा इसके नीचे घुसा हुआ है, अब अभी तक नहीं निकला, अभी मैं ये स्टिक पकड़ के मार कर इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। ओहो ये देखो आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल उधर चल, दूसरी किधर है वो भी अभी आ जाती है, क्योंकि इनको इसके नीचे नहीं रहने देना, अगर इसके नीचे ये छुप गए ना तो रात को बिल्ली इनका कबाड़ा कर देगी। अभी दूसरी कबूतरी पता नहीं किधर है, उसको भी मैं निकालने की ट्राई करता हूँ, चल निकला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो भी नहीं निकल रही। अभी ये कबूतर आ गया है और कबूतरी अभी उसी के अंदर छुप के बैठी हुई है। तो दोस्तों पहले जो था ना जिस हमारे जोड़े ने दूसरा बॉक्स कवर किया हुआ था, ये वाला साथ वाला, और अभी ये अंडों पे इसमें बैठ गई है, क्योंकि पहले अंडे इनके ख़राब हो गए थे, ये बॉक्स भी बड़ी मेहनत से मैंने बनाए थे, अभी जो है ना वो देखो ये बाहर निकला है, अभी कबूतरी जो है ना वो बाहर नहीं निकल रही, मेरी कोशिश है कि वो भी निकल आए और मैं इनको ना जल्दी से बंद कर दूँ, क्योंकि अगर बंद ना किया तो फिर अंधेरा हो जाएगा और फिर इनको बंद करने में दुश्वारी होगी या जाने आने में प्रॉब्लम होगी या बिल्ली ना आ जाए, बिल्ली पकड़ के ले जाएगी इनको। तो मैं अभी जो है ना निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, आ जा आ जा, ये ना हो के अंदर चली गई हो ज़्यादा अंदर, और फिर हमें ये सारा गत्ता वगैरह ऊपर से उठाना पड़ेगा, फिर जाके वो कबूतरी बाहर निकल। दोस्तों अभी जो है ना ये गत्ता वगैरह जो मैंने साइड पे किया है और मेरा पसीने से ना बुरा हाल हो गया है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कबूतरी जो है ना ये नीचे बारी की वजह से ना वो नीचे ना जाके बैठी हुई है काफ़ी दूर जाके, वो देखो नज़र आ रही है, वो देखो इतनी दूर जाकर बैठ गई है, अब इसको यहाँ से निकालना जो है ना बड़ा मुश्किल होगा, और इसको निकालना भी ज़रूरी है वरना जो बिल्ली जो है ना इसको रात खा जाएगी। अभी मैंने गत्ते वगैरह साइड पे किए थे, अभी मैं स्टिक डालता हूँ इसके अंदर, स्टिक मार के ना इसको मैं निकालने की ट्राई करता हूँ कि डर के मारे ना निकल आए, वरना ना प्रॉब्लम होगी मुझे सारी रात, ये मेरा टाइम ज़ाया कराएगी। अभी मैं देखता हूँ कहाँ आई आई नहीं आ रही, वो देखो ये बैठी हुई आराम से ना जाके बैठी हुई है, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई।
आजा, किधर गई, किधर चली गई, फिर वापस नहीं चली। ओह दोस्तों, बड़ी मुश्किल के साथ ना पकड़ी गई है। अब मैं इसको ना अंदर बंद करता हूँ। चल इधर, अब ना इसका मुझे कोई पक्का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको सुबह आके बंद करूँगा। चलो जी, अब यहाँ पे जो है ना कुछ थैले वगैरह और गत्ते वगैरह रख दें कि ये दोबारा इस तरफ को ना घुसे, तो ना बाकी मैं सुबह ही बंद करूँगा इसको। इसका जो रास्ता जो है ना, ये सुबह को बंद करूँगा। अभी मैं इनको लॉक कर दूँ ताकि ये बाहर ना निकल जाएं। ओहो दोस्तों, गर्मी से बुरा हाल हो गया है। आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे YouTube चैनल CCW को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके साथ लगे बेल के बटन क्लिक करके ऑल पर कर दें ताकि हर तरह की नई आने वाली वीडियो से आपका नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह मेहरबान।